ड्रोन की जो ये रेड लाइट्स हैं ये आपको नजर आ रही होंगी, ये ब्लिंक हो रही हैं, इसका मतलब है कि बैटरी बिल्कुल डेड है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुई। बस वाले ने बाइक को ठोक दिया है पीछे से। तो अभी भाई मुझे लेके आ गया बाबा तिक्का, तो यहाँ पे अभी फिश खाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, तो मैं उठा था तो मैंने कहा अभी अपनी वीडियो देखता हूँ और ड्रोन अपना चार्जिंग भी लगाता हूँ, लेकिन अभी फिर लाइट चली गई है, तो वो पीछे मेन बोर्ड है तो लाइट चली गई है अभी, तो नाश्ता करना है मैंने, तो अभी फिलहाल नाश्ता करते, नाश्ता तैयार हो गया मेरा। नाश्ते में वही अपना रोजाना का जो होता है अंडा और रोटी, तो करते हैं नाश्ता और साथ चाय। अभी ड्रोन को उड़ा के देखते हैं, तो ये बैटरी जो थी मैंने कल चार्ज लगाई रखी है, कोई 4-5 घंटे चार्ज लगी रही है, तो अभी देखते हैं कि चार्ज हुई कि नहीं हुई, तो ड्रोन उड़ा के देखते हैं क्या बनता है फिर, नहीं तो अभी बिजली आई नहीं है तो दोबारा फिर दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगाऊंगा, पहले इसे चेक करते हैं कि ये चार्ज हुई कि नहीं। तो ड्रोन की जो ये रेड लाइट्स हैं ये आपको नजर आ रही होंगी, ये ब्लिंक हो रही हैं, इसका मतलब है कि बैटरी बिल्कुल डेड है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुई, तो ये बैटरी पता नहीं खराब हो गई, इसकी ओरिजिनल बैटरी थी तो ये तो मेरे ख्याल खराब हो चुकी है। ड्रोन जो है रेड लाइट्स है वो ब्लिंक कर रहे हैं, टीवी के जो चैनल है वो खराब हो गए, तो हमें से ये वाला बटन दब जाता है लाइट टीवी वाला, तो वो ट्यूनिंग खराब हो जाती है, तो अभी मैं दोबारा इसकी ट्यूनिंग करने लगा हूं, इसकी करते हैं ट्यूनिंग। चैनल आने शुरू हो गए हैं तो ट्यूनिंग हो रही है, तो अभी बैठे हम ब्लॉग देख रहे हैं, तो घर के LCD पे ब्लॉग लगाया हुआ है और अब्बू जी भी बैठे ब्लॉग देख रहे हैं मेरा। अभी तकरीबन 1 बज चुका है, तो मैं नहा के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूं क्योंकि जुमे का टाइम होने वाला है, तो जुमा पढ़ने जाना है, तो जल्दी जल्दी से पहले मैं नहा लूं, तो अभी नहा के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो बस बाल अभी कंघी कर रहा हूं, तो बात अभी करके तो जुमा पढ़ने चलते हैं। अभी मैं जुमा पढ़ के वापस आ गया हूँ, तो घर खाने के लिए पका नहीं कुछ, तो बाजार से लेने जा रहा हूँ आलू वाली टिक्कियाँ, तो अभी बाजार जाके फिर आलू वाली टिक्कियाँ लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, 10 टिक्कियाँ करे टिक्के, तो अभी ले लिए तो ब्रेड रहती है, तो अभी यहाँ से ब्रेड ले लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, आप 4 पीस ब्रेड दो, ब्रेड बता दे, मैं टिक्के ले आया हूँ, तो अभी खाते हैं खाना, एक टिक्की ये 2 टिक्की और 7 रोटी। आज सुबह से कॉफी नहीं पी, तो अभी कॉफी बना के पीते हैं, छोटा पतीला था नहीं, आज बड़ा पतीला इस्तेमाल करेंगे, 1 कप पानी, आधा कप और चूल्हा कर ले रहे हैं ऑन, तो 1 चम्मच कॉफी का डालते मैं, थोड़ी सी इधर गिर गई। अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो मैं जाने लगा हूँ बाजार अबू को लेके, तो अबू ने कुछ चीजें लेनी बाजार से, तो अभी अबू को लेके जाने लगा हूँ। अभी 4:30 हो चुके हैं, तो मैं जाने लगा हूँ फैसलाबाद, मूवी भाई आ रहे हैं मूवी भाई को लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी से मैं अभी जूते अपने पहन लूँ और ये जैकेट वगैरह भी चेंज कर लूँ, फैसलाबाद के लिए निकलते हैं। अभी जैकेट वगैरह मैंने चेंज कर लिया है, शूज भी पहन लिए, तो अभी चलते हैं फैसलाबाद। पेट्रोल पंप से अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल पंप भी आ गए यहाँ पे, 1000 रुपये का करना भाई। पेट्रोल भी डल चुका है, तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद।
वाले ने बाइक को ठोक दिया है पीछे से, तो मेरे सामने ठुकी है अभी बाइक। बस वाले ने देखा नहीं, पता नहीं बाइक वाले को, अभी मेरे सामने ये ठुक गया। अभी बच गया अल्लाह का शुक्र है। तो ये बंदा उसे पीछे हटा रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो जबरदस्ती कर रहा है इसके साथ, ये बस वाले ने ठोक दिया उसे पीछे से, बच गया बंदा। ये बस वाला बंदे को अभी तो मार ही देता, तो मैंने देखा है मेरे सामने बाइक वाला आगे खड़ा हुआ है, तो मैं स्लो गया कि मैं क्या चलो बाइक वाला गुजर जाए। लेकिन पीछे से बस वाले फैसलाबाद की तरफ से आ रहा था, तो उसने गोल चक्कर लेते ही ना बाइक वाले को पीछे से ठोका है। तो शुक्र है बाइक वाला नीचे गिरा नहीं है, तो अगर वो गिर जाता और बस वाले को पता ना चलता तो उसके तो आज खत्म थी। तो शुक्र है कि बस वाले को भी पता चल गया कि उसने ठोका है, तो बाद में बहुत जबरदस्ती कंडक्टर उसका उतरा है। ज्यादा वाम तो थी नहीं, मैं ही देख रहा था, मैं ही इसका आई नहीं शायद हूँ। तो खैर, तो अल्लाह का शुक्र है वो बंदा बच गया। तो अभी मैं फैसलाबाद पहुंच चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने नाना बू के घर की तरफ, मामू की तरफ। तो भाई की जब कॉल आएगी तो फिर इंशाल्लाह भाई को लेने जाएंगे। तभी भाई पहुंचा नहीं है, तो जब पहुंचेगा तो फिर कॉल कर देगा मुझे। अभी तकरीबन 7:45 हो गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी भाई को लेने के लिए। भाई की कॉल आ गई है, तो अभी भाई को लेते हैं जाके। भाई ने मुझे यहाँ आने का बोला था, तो यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ। तो भाई तो अभी कहीं पे नजर नहीं आ रहे, तो कब आएंगे अभी नहीं पता। तो ये बस आगे रुकी है अभी यहाँ पे, अभी देखते हैं कि भाई इस बस से जाते हैं कि नहीं। भाई इधर से आ गए, तो भाई पहुंच चुके हैं। तो अभी भाई मुझे लेके आ गए बाबा टिक्का, तो यहाँ पे अभी फिश खाएंगे। अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं, तो हम जाने लगे हैं वापस। तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश बना हुआ है, तो अभी वालर पार्किंग से अपनी कार निकलवाते हैं। अपनी गाड़ी भी आ गई है अब। अभी यहाँ से आइसक्रीम खाने लगे, तो ऑर्डर वगैरह दे दिया है, तो अभी लेके आते हैं। आ गया मेरा। अभी तकरीबन 11:30 हो गए हैं, तो हम घर पहुंच चुके हैं। तो अभी मैंने व्लॉग भी एडिट करना है, और नींद भी थकावट भी काफी ज्यादा हो गई है। तो ये व्लॉग मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो इस व्लॉग से यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।